हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इस क्लासरूम में मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्या करेंगे, वील बी डूइंग दिस कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। पेपर बहुत सिंपल, बहुत आसान, और पेपर की वही कहानी जो आप लोगों से रिक्वायरमेंट है आप लोगों से, जो बेसिक रखी जाती है कि आप NCERT के ऊपर फुल फोकस रखें। 2020 का नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, जब ये पेपर की रिकॉर्डिंग हो रही है तो तब तक 2020 का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप इस पर गौर करेंगे, इस बार का पूरा पिटा पेपर NCERT बेस्ड था। दैट मीन्स अगर आप NCERT को ढंग से करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो गारंटीड रूप से पेपर बहुत ही बढ़िया होगा। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और डेफिनेटली करेंगे। तो मुझे तुम लोगों से भी यही उम्मीद है कि खूब मन लगा के लगाओ, मेहनत करो, और याद रखो तुम्हारा गोल ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ मेहनत लगेगी, और जो मेहनत की ज़रूरत है उस चीज़ में बेटा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस पूरे पेपर के अंदर क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जिनको मुझे लगता है कि आपको एक बार दोबारा बता देने की या उनके बारे में डिस्कस कर लेने की थोड़ी सी ज़रूरत है। हम उनको कम्प्लीट करेंगे और आगे बढ़ें। क्वेश्चंस को देखते हैं, बढ़ते हैं आगे चलते चलते। पहला वाला क्वेश्चन बहुत इजी, सेकंड 92, 93, यहाँ तक बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, देखिए। इनकरेक्ट अबाउट लाइकन्स के बारे में यहाँ गलत क्या दिया। फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट और टू कॉम्पोनेंट्स, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। सेकेंड, दीज एक्ट एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये भी 100% करेक्ट है बेटा। थर्ड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड बैक्टीरिया, यहाँ गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया की जगह क्या हो जाना चाहिए था, एल्गी होना चाहिए था, समझ गए। इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन गलत। याद रखना है, ये पहली बात, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन होती है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलजुल के एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। और कमाल की बात, आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन से ये सीखेंगे कि जब ये एक दूसरे की मदद करते हैं तो अब कंडीशन ऐसी है कि ये बिना एक दूसरे की मदद के ज़िंदा नहीं रह सकते, जो पार्टिसिपेट करने वाले दो लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फाइकोबायोंट जो एल्गी है और माइकोबायोंट जो आपके पास फंगस है, ये इन फंगस और एल्गी हमें नेचर में अलग अलग नहीं मिलते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। ऐसा बोल रहा हूँ कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहना शुरू कर देते हैं ना, जिन स्पीशीज़ की ने डिसाइड कर लिया कि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे, उन स्पीशीज़ की बेटा मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग क्या करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर इस कदर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि बिना एक दूसरे के एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक समझ गए, गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं। व्हाट इज मेंट बाय इम्परफेक्ट फंगस, डिटरमाइसिटीज की बात कर रहा है, डायटोमिशियस अर्थ, NCERT के एग्जैक्ट लाइन्स हैं। हमें पता है कि वो बायोगैस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। बायोगैस के लिए इस्तेमाल तभी होता ना जब वो डिकम्पोज होता है। डायटोमेशियस अर्थ तो डिकम्पोज हो ही नहीं सकता, तो बायोगैस में कैसे इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आपको बेसिक लॉजिक लगाना है, बेसिक आइडिया लगाना है, और आपका क्वेश्चन सब अच्छे से अप्रोच होता जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा डिफर्स फ्रॉम मोनेरा इन हावे, प्रोटिस्टा मोनेरा से किन किन मायनों में अलग है। सिंपल सी बात है बेटा, प्रोटिस्टा अपने आप यूकेरियोट, मोनेरा प्रोकेरियोट। तो प्रोटिस्टा जो यूकेरियोट है, क्या उसे यूकेरियोट में फ्लैजेला मिलती है? यस। प्रोकेरियोट में मिलती है? यस। यानी दोनों में मिलती है, तो डिफरेंस नहीं हो सकता। सेल वॉल यूकेरियोट में पक्का मिलती है, प्रोकेरियोट में मिलती है। प्रोकेरियोट में पेप्टाइडोग्लाइकन की, यूकेरियोट में एल्गे देखो तो आपके पास मिल जाएगी, प्लांट देखो सेल्यूलोज, इन सब चीज़ों की मिल जाएगी। अब आपके पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोनेरा ब्लू ग्रीन एल्गे ऑटोट्रॉपिक दिखाता है। तो अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म, भैया न्यूक्लियोप्लाज्म ही तो जो होता है वो आपके पास यूकेरियोट्स में मिलता है, प्रोकेरियोट्स में नहीं मिलता, इसलिए आंसर ये बन गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल स्पोर। थोड़ा यहाँ पे अपने नोट्स पे अगर फोकस करेंगे तो आपको अपने आंसर सामने दिखेंगे। स्पेसिफिकली मेंशन किया था ये तीनों चीज़ बेटा आपके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन सेक्सुअल था तो आंसर एस्कोस्पोर हो गया, बेसिडियोस्पोर हो गया। ये आपके पास किस तरीके से होते हैं, ये आपके पास सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद बनते हैं। एडिबल फंगस ऑफ मॉरल्स एंड रफल्स, डायरेक्ट NCERT लाइन। स्टोरेज प्रोडक्ट क्राइजोफाइट्स, ऑयल एंड ल्यूकोसिन, याद रखना है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बिलोंग टू। क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बिलोंग टू, भैया बेसिलियोफाइसी हमने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हमें गारंटीड पता है कि डाइनोफाइसी है जो डिनोफ्लेजिलेट्स, और यूग्लिनोफाइसी है जो यूग्लिनोइड्स की बात कर रहे हैं।
समझ रहे हो? तो आप ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। आपको पता है कि अगर मैं अंडरलाइन करूँ, यूग्लिनोफाइसी सही आंसर हो सकता है, यूग्लिनो को मेंशन करता है, यूग्लिनोफाइसी और डाइनोफाइसी, डिनोफ्लेजिलेट सी भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, जूफ्लेजिलेट सॉरी, हमें पहले बारे में आइडिया नहीं, दूसरे वाले में ये जो बेसिलियर फाइसी है जिसको मैं ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ इसके बारे में कुछ गारंटी नहीं, तो क्वेश्चन बेटा छोड़ भी सकते थे और अगर रिस्क लेना चाहते थे क्योंकि आपको पता था कि ये भी आपको पक्का पता है, ये भी पक्का पता है, तो थर्ड वाले ऑप्शन में रिस्क ले सकते थे। अगर नहीं दी तो कोई नुकसान नहीं है, सीखने को कुछ मिल गया, अदरवाइज अब से तुम्हारी ये सिंपल फिलॉसफी होनी चाहिए कि एनसीईआरटी के कुछ बाहर है तो हम क्वेश्चन में हम उस कंटेंट को एक्स्ट्रा रटने की जगह हम क्या कोशिश करेंगे, हम लोग अच्छे से ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के बाहर का कंसेप्ट हम लोग किस तरीके से अप्रोच करें। अगर हम एनसीईआरटी के बाहर वाला कंसेप्ट सही से अप्रोच कर जाते हैं तो हम लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी। ये पेपर का एकमात्र रूल है, एनसीईआरटी के बाहर का कंसेप्ट 100% सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू अप्रोच करें। आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू अप्रोच करते हैं, आपकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है, समझे? अब देखो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 108, क्लैंप कनेक्शंस आर फाउंड। बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कंसेप्ट अपने सिलेबस का पार्ट नहीं, अब सिलेबस का पार्ट नहीं तो क्या करें, क्वेश्चन तो आया है, तो भैया जब क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्लैंप कनेक्शंस के लिए सारी की सारी कहानी मैं यहाँ दे चुका हूँ, ज़रा इस बात को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अ क्लैम्प कनेक्शन इज़ अ हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ ग्रोइंग हाइफल सेल ऑफ सर्टेन फंजाई, यानी सब फंजाई में नहीं, कुछ कुछ फंजाई में मिलता है। इट इज़ क्रिएटेड टू इंश्योर ईच सेल और सेगमेंट ऑफ हाइफा सेपरेटेड बाय सेप्टा क्रॉस वॉल्स रिसीव्स अ सेट ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू मेटिंग ऑफ हाइफा ऑफ सेक्शुअल टाइप्स। कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, तो चलो इसको आपको आपके लिए सिंप्लीफाई करते हैं। जब एल्गी सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती है तो बेटा कुछ केसेस में गैमेट्स बनते हैं और कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो हाइफा होता है, हाइफे, ये क्या करता है, फ्यूज़ करता है। इतना तो हम समझते हैं, कुछ केसेस में क्या फ्यूज़ करने लग जाता है, हाइफे फ्यूज़ करने लगता है, इतना हम समझते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब दो हाइफे फ्यूज़ करते हैं तो अब उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट वापस डिवाइड करेगा, डिवाइड करके जब माइटोसिस मियोसिस वगैरह जो भी प्रोसेस वहाँ पर होगा तो उसे जाइगोट से मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेंगे ना, तो वो न्यूक्लियाई हर इंडिविजुअल सेप्टेड कंडीशन में पहुँचे। जैसे समझ लो कि एक ही जगह खूब सारे न्यूक्लियाई बन गए और अब वो न्यूक्लियाई इंडिविजुअल सेल में जाना चाहिए, तो अलग अलग सेल बनाने के लिए मुझे सेप्टा बनाने चाहिए, तो यहाँ पे ये क्लैंप कनेक्शन उसके लिए मदद करता है। सिंपल सी बात, अगर आपके पास एक सेल के अंदर इस तरीके से खूब सारे न्यूक्लियाई हो गए तो क्लैंप कनेक्शन इस तरीके से सेप्टा क्रिएट करने में मदद करता है ताकि सेप्टेट माइसीलियम बन सके, सेप्टेट आपके पास पूरा का पूरा हाइफे बन सके और काम चले। तो न्यूक्लियाई इंडिविजुअल सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थैंक्स टू क्लैंप कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय अ वायरस। बेटा वायरस वर्ड कभी भी आ गया तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ट्रांसडक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के अंदर वायरस की वजह से होती है, यह ट्रांसडक्शन प्रोसेस है। इस ट्रांसडक्शन प्रोसेस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, वहाँ से आप इस बात को गारंटेड आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड। क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल एनसीईआरटी का डायरेक्ट कंसेप्ट है। आपको बस ये रिमाइंड करने के लिए यह था कि इसको फ्लोरिडियन स्टार्च करने की जगह आप पढ़ेंगे इसको फ्लोरिडियन स्टार्च। अब ऐसे फ्लो रेड पढ़ेंगे, आपके पास रोडो, रोडो मतलब रेड, यहीं से आपका कंसेप्ट फुल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है, इट हैज़ अ गुड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, देयरफॉर यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। थोड़ा सा याद करोगे तो बेटा ये बात आपको एग्जैक्टली आपके डिस्कशन के दौरान, जब हमने डिस्कशन तो नहीं, जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो उसमें बताया गया था, अगर आपके पास कोई चीज़ पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ करती है क्योंकि वो पानी होल्ड कर सकती है, तो उसके अंदर जो पानी, अगर समझ लीजिए कि आपके पास एक रैपिंग है जिसके अंदर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, क्या आपको करना है ट्रांसफ़र, बहुत सारे फ्लावर्स आपको ट्रांसफ़र करना है, फूल। अगर बेटा आपको एक जगह से दूसरी जगह फूल ट्रांसफ़र करने हैं तो कंडीशन क्या होगी, कि फूल ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास फूलों को फ्रेश रहना है, क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफ़र होगा तो फ्रेश होने चाहिए ना फूल। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम समझते हैं कि फूल ट्रांसफ़र करेंगे तो फूलों को फ्रेश रहना है तो पानी का सप्लाई होना चाहिए,
तो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट करते करते इतना सारा पानी किसी कंटेनर में डालोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसलिए हम ऐसा सामान ले लेते हैं जो वाटर होल्ड कर सकता है, जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से वो खूब सारा पानी अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है और कोई भी मटेरियल जो बायोलॉजिकल ओरिजिन का है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आंसर है स्फैग्नम, जिसको पीट मॉस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मॉसेस, मॉसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए बेटा, कैप्सूल कंटेन्स गैमेट। अगर आपको मालूम होना चाहिए, हम पढ़ते हैं कभी भी वर्ड कैप्सूल, तो कैप्सूल जो होता है वो इस तरीके से स्पोरोफाइट का पार्ट है, और ये वाला कैप्सूल है बेटा इसके अंदर तो स्पोर्स होते हैं, तो वो लोग गैमेट्स कैसे बने, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 122। अ डायोशियस प्लांट, ओके, डायोशियस यानी मेल फीमेल अलग, दैट हैज़ यूनिसेल्युलर राइजॉइड्स, दैट मीन्स यूनिसेल्युलर राइजॉइड्स है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गेमा कप्स, दैट मीन्स ये ब्रायोफाइटा की बात कर रहा है, तो सेलेजिनेरा, चलो ब्रायोफाइटा की बात कर रहा है, सेलेजिनेरा क्रॉस कर सक, नहीं छोड़ो, प्रेजेंस ऑफ इलेटर्स एंड डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। बेटा यहाँ पे डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर की बात करी है, तो यहाँ से अपने को सीधा बोल सकता है कि ये प्रोटोनीमा जो स्टेज है उसको कह रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्रोटोनीमा स्टेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आंसर अपने पास बनेगा मार्केंशिया। क्यों प्रोटोनीमा स्टेज मार्केंशिया में आंसर नहीं करती, तो इस बात को समझने के लिए आप लिवर वॉट्स एंड आप लोग मॉसेस को पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्स में आप जाएंगे और जाने के बाद देखेंगे कौन सी स्टेट में आपके पास ये जो होता है अपने पास प्रोटोनीमा नहीं मिलता, तो उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट जर्मिनेशन बोल के ये बोलना चाहता था देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ प्रोटोनीमा। स्टेटमेंट को पकड़ो, क्वेश्चन क्या समझाना, क्या पूछना चाहता है आपसे, वहीं पर काम बन जाएगा। 124। विच वन ऑफ इज़ करेक्टली मैच्ड, ड्यूटेरोमाइसिटीज डिकम्पोजिशन ऑफ लेटर। जो बात यहाँ समझाने वाली थी वो लेटर, और लेटर सीधी सी बात क्या होता है, कूड़ा कचरा। जो कूड़ा कचरा होता है उसको बेहतर हम लोग क्या टर्म करते हैं, लेटर टर्म करते हैं। 25। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को लेके गलत स्टेटमेंट। दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ओके, पेप्टाइडोग्लाइकन नेचर ऑफ सेल वॉल, सही है, हेटरोट्रॉप्स आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सही है, दे शो सिंपल मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, नहीं बेटा, दे शो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, नॉट मोस्ट सिंपल बट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। स्टेटमेंट 4 गलत है। आगे बढ़ के देखते हैं कि नेक्स्ट हमें कौन सा क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस का हिसाब देखा, पैटर्न देखो बेटा, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन ना मैच द फॉलोइंग टाइप से आए हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन की फुल प्रैक्टिस रखनी है और अपने को डायग्राम हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। जहाँ तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ, नेक्स्ट ईयर का जो पेपर मैं आइडिया लगा सकता हूँ, नेक्स्ट ईयर का पेपर भी एनसीईआरटी से ही होगा, 100% पेपर एनसीईआरटी से होगा, क्योंकि एनडीए ने ये पैटर्न स्टार्ट किया है कि एनसीईआरटी से ही पेपर डालना है। और आप हिसाब लगा सकते हो कि पेपर अगर एनसीईआरटी से होगा तो अब उनको नए क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाने, तो ये जो ऐसे चिंदी चिंदी एरियाज़ होते हैं ना जहाँ से क्वेश्चन हम लोग बहुत ही ईजिली मिस आउट कर जाते हैं, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बड़े ध्यान से सारे डायग्राम्स इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, दे कॉज इन्फेक्शन, सही है, दे आर स्मॉलर देन, ये सही है, लैक ऑफ प्रोटीन कोट, सही है। मुझे तीन के बारे में पता था, पहले के बारे में पता हो ना हो, मुझे तीन के बारे में गारंटीड पता है, दैट मीन्स एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व। जितना दिमाग लगाओगे पेपर में उतना बढ़िया से काम चलेगा, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, बेटा डायटम्स, और डायटम्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, डायटम्स को हम लोग टर्म करते हैं प्लैंकटन्स, और चीफ प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि ओशन के अंदर पेड़ तो नहीं लग सकते, ओशन में अगर मिलता है तो एल्गी मिलता है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो डायटम्स हैं वो आपके पास माइक्रो एल्गी के नाम से भी बोली जाती हैं, बेसिकली छोटे छोटे ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स, ये आपके पास मेजर फोटोसिंथेसिस पूरे ओशन में करते हुए मिलते हैं, तो इसलिए चीफ प्रोड्यूसर्स इनको कहा जाता है। इनफैक्ट आपके पास जो वेल्स होती हैं, वेल्स का प्रॉपर खाना होता है ये प्लैंकटन्स, वेल एक टाइम पे कई कई टन प्लैंकटन खा जाती है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ बिलोंगिंग टू आर्थ्रोपोडा, लोकस्टा, यस, बटरफ्लाई, यस, स्कॉर्पियन, प्रॉन, यस, सैल्पा नहीं, डॉलियोलम नो, पाइला, काइटन, एंटीडॉन, हाइलामिक्सिन, लिमुलस, यस, क्यूलेक्स, यस, आपके पास 1 2 3 4 5 6 बन गया बेटा आंसर।
ये वाले देखिए, इसलिए मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बोला था अपने एग्जांपल से याद करने को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एम्फीबिया के बारे में बात कर रखिए। हैज़ बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, यस, वहाँ पे नेक नहीं होती। टेल इज़ प्रेजेंट इन सम, यस, एग्जांपल सेलामेंडर। सेलामेंडर के अंदर इस तरीके से टेल होती है, जिनके अंदर टेल होती है उनको हम कहते हैं यूरोडल्स। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, बिल्कुल। थर्ड, इट हैज़ स्केल्स इन ऑल इट्स मेंबर्स, नो, एम्फीबियंस के पास तो बॉडी में स्केल्स नहीं होते। थर्ड गलत है। दे कैन लीड डुअल लाइफ, यस, पानी और ज़मीन पे, यस, तभी तो एम्फीबियंस कहते हैं। आईलिड्स आर प्रेजेंट, यस, तो अब अपने पास आंसर है। ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकता, हमें 100% वन इज़ करेक्ट ये स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता। ओनली टू इज़ रॉन्ग, टू भी सही है, ये भी नहीं। एलिमिनेशन से थ्री, या देखो बेटा, क्वेश्चन का ना आंसर निकालने के बहुत तरीके होते हैं। आंसर आपको अप्रोच करने के, पहुंचने के लिए, आंसर तक पहुंचने के तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको सिर्फ समझना होता है कि किस तरीके से हम खुले दिमाग से, शांति से क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। आगे नेक्स्ट, अच्छा क्लासिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश। अरे भाई, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा होती है, स्टार फिश एकाइनो होती है, जेली फिश आपके पास सिलेंटेरिटा होती है, डॉग फिश है स्कोलियोडन, ये हमारे पास असली फिश है पाइसेस में जो आता है। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, हेयर आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एम्फीबिया, सेलेक्ट दी गलत स्टेटमेंट। और बेटा, पहली बात, इनकरेक्ट जो करेक्ट होता है उसको अंडरलाइन करके ना हिंदी में बोला करो, क्या करना है, गलत। ईयर रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, सही है। क्लोका इज अ कॉमन चेंबर इन विच यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन, ओनली, यहाँ फोकस करो। स्टेटमेंट में उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये दोनों होते हैं, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव, क्योंकि भैया ये डाइजेस्टिव बोलना भूल गए, और उन्होंने कहा ओनली। अगर यहाँ तक भी लिख देते ना, तब भी हम मानते कि यहाँ तक सही था, कि अगर कहते कि यहाँ तक चले गए, हम यहाँ तक लिख दे रहे हैं तो भैया तो मान भी लेते, लेकिन इन्होंने ओनली लगा के ना सारा काम खराब कर दिया। उन्होंने ओनली लगा दिया, दैट मीन्स उन्होंने डाइजेस्टिव को कह दिया कि डाइजेस्टिव होता ही नहीं, इसलिए स्टेटमेंट ये हो गया गलत। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना था तो टू वाला। फिर भी हम थर्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन बाय स्किन, लंग्स, गिल्स एंड बकोफेरेंजल, सही है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ टू विट्री एंड वन वेंट्रिकल, ये भी सही है। क्वेश्चन अप्रोच करते वक्त बेटा हमेशा पूरा का पूरा स्टेटमेंट, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आधा अधूरा नहीं। कभी कभार क्या होता है कि गुंजाइश होती है, कभी कभार हमें एक बार पढ़ने में गलत लगता है, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कोई और स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर आंसर हमें महसूस होता है, इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। 166, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी गलत, विद रिस्पेक्ट टू रेप्टीलिया। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया। दे आर एनामनियोट्स, नहीं बेटा, दे आर एमनियोट। एमनियोट वो होते हैं जिनमें एमनियॉन होती है, और एमनियॉन हमेशा मिलती है जब एग मिलने शुरू हुए। इनफैक्ट याद रखना, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये तीनों के तीनों एमनियोट्स होते हैं। जब से ज़मीन पे अंडे देने शुरू किए, तब से ऑर्गेनिज्म एमनियोट बनने लग गए। ये वाली बात जितना जल्दी आप लोग याद कर लेंगे, उतनी ज़्यादा सेहत पे आप लोगों के असर होगा, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में खुश रहेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे कोई ऐसा है जिसको हमें याद करना है, तो यस, क्वेश्चन 177, इन पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, बेटा पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और वहाँ पे भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं एकाइनर सेल्स, याद रखिएगा ये सब। इसके साथ साथ पूरे पेपर की डिस्कशन फिनिश होती है, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए। ये कुछ मेरे अकॉर्डिंग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।